कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कई वर्गों का पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द कर दिया है और कोर्ट ने 2010 में बाद में सभी पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया। इस बीच एक सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध कर रही ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कांकेर द्वारा निंदा पारित करते हुए पुराना बस स्टैंड में पुतला दहन किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ममता बनर्जी द्वारा 2011 में याचिका दायर किया गया था और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को, एक विशेष समुदाय को पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को काट कर उसको दिया गया था, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा याचिका दायर किया गया था पश्चिम बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट में। तो उसका निर्णय 22/5/2024 को निर्णय आया, जिसमें पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण का जो काट कर दिया गया था उसको वापस दिया और उस समुदाय का प्रमाण पत्र को 2010 से जो जारी किया गया था सबको निरस्त करने का आदेश हुआ, जिसके खिलाफ में ममता बनर्जी नहीं मानू हाईकोर्ट जो आदेश को नहीं मानूंगी करके वो बैठ गई है और इसका विरोध कर रही है। तो भाई हम इसका इसी ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश को अवहेलना कर रही है, इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग का मोर्चा द्वारा आज ममता बनर्जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में आज लगभग 15-12-13 वर्षों से गलत तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, कि विशेष समुदाय को खुश करने के लिए और पीछे वर्ग के लोगों को वंचित करके जो आरक्षण दिए थे, नौकरी लाभ अन्य सभी प्रकार के जो लाभ दिए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है और उस आदेश को ममता बनर्जी जी मैं नहीं मानूंगी और कोर्ट का अवहेलना तक कर रही है। ये हाल है पश्चिम बंगाल में, मतलब आज पिछड़े वर्ग को लोगों को वंचित करके एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए पिछड़े वर्ग का आरक्षण उन्होंने उनको दे के रखा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, जिसको ममता बनर्जी बोलती है मैं नहीं मानूंगी, इसके हम सब निंदा करते हैं कि हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य होता है, जो कोर्ट आदेश करे उसको मानना चाहिए।